हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स ऑनलाइन पोर्टल। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ एंट्रेंस का एएमयू का 2019-20 का पेपर का मैथ्स पोर्शन, ठीक है, जिसमें जो मैथ्स पोर्शन है वो हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 26 से। 26 का आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डिजिट्स इन वन प्लेस ऑफ अ नंबर इज 3, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, 1 हो, देन इट्स क्यूब, उसका क्यूब विल एंड विद द डिजिट। यानी अगर हम कोई ऐसा नंबर लें जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 3 है और उसका क्यूब करें तो उसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, तो ये हमें देखना है। तो कोई ऐसा नंबर ले लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो, 3 हो, जैसे 23, 63, 53, और उसका हम क्या कर दें जी, देन उसका हम क्यूब कर दें। कोई भी ऐसा नंबर, जैसे मैंने बहुत सारे नंबर ले लिए, आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लो 23, तो 23 का हम क्यूब करें यानी उसको 3 बार लिख दें, तो अब हम कह रहे हैं कि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी। तो हम यूनिट प्लेस डिजिट के अंदर क्या करते हैं, जो यूनिट प्लेस डिजिट कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये कहते हैं कि भाई जो लास्ट डिजिट है बस उसी को ले लो, आप उठा लो, भाई लास्ट डिजिट क्या है, 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा हमें, 9, और क्या इधर क्या है, 3, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, 7, 27, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास जी, 7, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 आपसे क्या कह रहा है कि भाई दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर होगा, क्या है हमारे पास कि भाई 1/2 की पावर -1 + 2/3 की पावर, यहाँ पर एक्चुअली 2 है जो मिसप्रिंट हो गया, तो हम 2 यहाँ ले लेते हैं, -3/4 की होल पावर 2, ये कह रहे जी इसकी वैल्यू, यानी ये इस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम कोई भी फ्रैक्शन है और उसकी पावर नेगेटिव है, उसकी पावर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल ले लें तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2 की पावर क्या है जी, -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और किसी की भी पावर 0, तो यहाँ माइनस है, किसी की भी पावर 0 कितना होता है कि 1। अब इसका क्या करना है जी, हमें होल स्क्वायर, अगर हम 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/1 + 4/9 की होल पावर -2, यहाँ -2 है पावर, 9 × 9 9 और 4 13, यानी 13/9 की होल पावर -2, अगर इसको हम उल्टा कर दें तो 9/13 की होल पावर 2, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हमें मिल जाएगा, यानी 81/169, ऑप्शन इज बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है आपसे कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड। तो कुछ जब भी हम पॉलीगन की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पॉलीगन में याद रखनी चाहिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भाई इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, डायगनल्स कितने होंगे, या एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन किसके बराबर होता है, या एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है उसकी उसमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है आपको, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आते ही, तो ये हमें ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, छोटे छोटे से फार्मूले हैं, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर हम इंटीरियर एंगल की ही बात कर रहे हैं ऑफ ए पॉलीगन किसी भी पॉलीगन की, तो वो क्या होता है आपका n-2 × 180, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है वो n-2 × 180 होता है। यहाँ पर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी आप याद रख सकते हैं कि भाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी पॉलीगन का, वो 360 होता है, कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 × 180, n क्या है, n इज़ अ नंबर ऑफ साइड, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई नंबर ऑफ डायगनल्स इन ए पॉलीगन, तो नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगन, तो किसी भी पॉलीगन्स में अगर आपको क्या निकालना है, ये नंबर ऑफ डायगनल्स निकालने हैं, तो उसका फार्मूला होता है n × n-3/2, तो ये छोटे छोटे से फार्मूले हैं जो आपको याद होने
चाहिए। अगर हम किसी एक्सटीरियर एंगल की बात करें रेगुलर पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल हों। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन किसके बराबर होता है जी, 360 अपॉन एन, वही एन क्या है जी, नंबर ऑफ साइड्स। तो यानी अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का तो वो क्या होगा जी, 360 अपॉन। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड, अगर कोई एन साइड का पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो हमने क्या बताया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, एन माइनस टू इंटू 180, दैट इज यहाँ पर है जी ऑप्शन कोई, एन माइनस टू इंटू 180 यानी डी ऑप्शन है हमारे पास। ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है और नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकाल लें तो एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 भी होता है, और एक्सटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का वो 360 बाई एन। ये आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, साइड्स निकालनी है तब भी हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। अ रोम्बस एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, इफ वन ऑफ द डायगोनल्स फॉर रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस। यानी आपसे कह रहा है कि भाई एक रोम्बस है आपके पास, हम यही बना लेते हैं फिगर छोटा सा, कि भाई एक रोम्बस है आपके पास, ठीक है, एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया बराबर है, स्क्वायर का भी और रोम्बस का भी। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर हों, स्क्वायर जिसकी चारों साइड के साथ साथ चारों एंगल 90 डिग्री के भी हों, इन दोनों का एरिया बराबर है। इसकी अगर साइड की बात करें तो इसकी साइड कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि एरिया बराबर है। रोम्बस एंड स्क्वायर हैव द सेम एरिया, यानी दोनों का एरिया बराबर है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस जो है, एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो इक्वल है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर के, समझ रहे जी, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ये हमें फर्स्ट फार्मूला याद होना चाहिए कि 1/2 d1 × d2, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं और साइड हमें दे रखी है। तो 1/2 d1 कितना है जी आपके पास, 4, और d2 हमें निकालना है हम कह सकते हैं, और एरिया हमें दे रखा है 6, ए साइड हमें दे रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 1/2 को हम काट सकते हैं, 2 × 2 = 4, तो इसको रहने दें 2 × d2, और 6 का स्क्वायर 36, अगर हम 2 से इसको काट दें तो d2 कितना आ गया जी, 18 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायगोनल ऑफ रोम्बस, सेकंड डायगोनल क्या है, एक तो दे रखा है आपको 4, दूसरा कितना आ गया 18, दैट इज a, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है आपसे कि इफ़ द पैरेलल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देयर सम इज 10 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स का सम दे रखा है आपको, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम बना लो आप कि भाई इन दोनों का सम और इनके बीच की दूरी, जो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर और ये जो दो साइड्स हैं इनका सम कितना है, इनका सम है आपके पास 10 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स का सम, यानी पैरेलल लाइन जो है उनका सम दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, और उनकी दूरी यानी हाइट हम कह सकते हैं इसको, ये कितना दे रखा है आपके पास, 2 सेंटीमीटर। इसके दो तरीके हैं कि हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट से तो निकाल ही सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट। अगर हम देखें कि दोनों साइड का सम हमें 10 दे रखा है तो एक साइड कितने की होगी, 5 + 5 = 10, यानी जो बेस होगा वो कितना होगा, 5, और ये हाइट कितनी होगी, 2, यानी 5 × 10 cm². ऐसे तो हमने निकाल ही लिया कि भाई 10 cm² होगा। दूसरा तरीका यह है इस क्वेश्चन को करने का कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम दे रखा है, और पैरेललोग्राम क्या होता है, एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम, भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, वो ट्रेपेजियम भी होता है साथ साथ। तो अगर हम यहाँ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाना चाहें इस केस में कि भाई एरिया है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, अब पैरेलल साइड का सम हमें कितना दे रखा है जी सीधा सीधा 10, और हाइट कितनी दे रखी है 2, तो उसमें हमें एक साइड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया जी 10 cm², यानी इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 30 के बाद, 31, ये कह रहा है कि
8 टिप्स ऑफ द सेम साइज फिल ए टैंक इन 27 मिनट। यानी 8 पानी के टेप हैं जो अगर हम उनको चला दें 27 मिनट तक तो वो एक सिलेंड्रिकल टैंक हो। इफ़ 2 टेप्स गो आउट फिल द टैंक, यानी एक टैंक को भर देते हैं 27 मिनट में, कितने टेप मिल गए 28 टेप मिल गए। इसमें कह रहा है कि इफ़ 2 टेप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, 2 टेप ऑर्डर पे चले गए कहीं बाहर। अब हमारे पास कितने बचे 6, तो हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग टेप्स टेक टू फिल द टैंक, तो वो कितना टाइम लेंगे इस उसी टैंक को फिलअप करने में दोबारा। ठीक है जी, यानी हमें ये दे रखा है कि 8 टेप 27 मिनट लेते हैं, अगर उसमें से 2 कम कर दें यानी 6 टेप जो बचें वो कितना टाइम लेंगे उसी टैंक को पूरा कंप्लीट करने में। तो यानी हमारे पास कितने टेप हैं जी, 8 टेप हैं हमारे पास, 8 टेप टैंक को 27 मिनट में कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट यानी 1। तो जब हम बाई पार्ट क्वेश्चन करते हैं कोई भी तो वो इसी तरीके से करते हैं कि भाई बाई पार्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने मान लो कोई भी टेप है उसको भर रहा है, हाफ भर रहा है, तो हमने क्या ले लिया हाफ, कंप्लीट भर रहा है यानी हमने फुल कर दिया, फुल यानी हाफ का मतलब हाफ प्लस हाफ यानी 1। तो कंप्लीट हो गया टेप, टेप ने टैंक को कम्प्लीटली फिलअप कर दिया कितने मिनट में 27 मिनट में। तो अगर हम ये देखें कि भाई एक टेप 1 मिनट में कितना पार्ट टैंक का भरेगा, तो इस ये 8 भी नीचे चला जाएगा और 27 भी, तो 8/27 इतना पार्ट वो 1 मिनट में भर देगा। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास 2 टेप चले गए, हमारे पास रह गए 6 टेप। तो अगर हम 6 टेप की बात करें तो 6 टेप 1 मिनट में कितना पार्ट भरेंगे, है ना, तो 6 से इसको और मल्टीप्लाई कर दें किसको 1/8 × 27 को, तो कट जाएगा जी 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27 और 2 × 4 = 8, 4 × 9 = 36, यानी 1/36 पार्ट भर जाएगा 1 मिनट में। तो कितने मिनट लगेंगे इसको पूरा करने में, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, यानी 36 मिनट लगेंगे उस टैंक को भरने में अगर हम 2 टेप अगर बाहर चले जाते हैं और 6 टेप यूज़ करते हैं, दैट इज़ आंसर इज 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर हम लें तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। जस्ट सपोज हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लिए, अगर जैसे ले लो कोई भी ले लो आप, 2 और 3 ले लो भाई, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, या 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, या 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपने ले लिए। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। तो हमने जस्ट कोई एग्जाम्पल ले ली, कोई भी उठा ली हमने, तो यहाँ हमने देखा भाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 2+1 और 2-1, ये हमें क्या देगा 1। यहाँ देखिए तो 3+2 और 3-2, ये भी हमें क्या देगा जी 1। 9+8 और 9-8, ये भी हमें क्या देगा, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो और वो कॉन्जिक्यूटिव है तो डिफरेंस तो क्या हो गया 1, और अगर 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअली हमें सिर्फ सम मिल रहा है, जैसे 2+1 यहाँ देखें तो 3+2 यहाँ देखें तो 9+8, यानी अगर हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस ले रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है, सम ऑफ द नंबर के बराबर आ रहा है। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या दे रखें, सम ऑफ द टू नंबर, यही हो गया आंसर। आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है हमारे पास, सम ऑफ द टू नंबर, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, ट्वाइस द सम ऑफ द टू नंबर, तो ये सब क्लियर है, या ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व दिस, तो भाई x/2/6 माइनस, ये थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा लंबा है, तो हम थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं, ये जैसे x+2/6 ये ब्रैकेट, फिर माइनस एक और ब्रैकेट 11 x/3 − 1/4 ब्रैकेट क्लोज, किसके बराबर दे रखा है 3x − 4/12।
देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम ये पहले ये देखें भाई ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है हमारे पास 11 है, 10 है, 1 है, 0 है, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर कुछ वैल्यू छोटी हैं, कुछ वैल्यू बड़ी हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बट वो उस केस में जब हमारे पास वैल्यू जो हैं वो थोड़ी सी छोटी छोटी हो। यहाँ पर 11 भी दे रखी है, 10 भी दे रखी है, और थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिव भी दे रखा है, ये थोड़ा सा सिंपल होता है वैल्यू पुट करने के लिए, तो हम वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे। चलो खैर हम क्या करते हैं इसको सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे तो एक तो ज़्यादा हो जाएंगे और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है सॉल्व करना इसको वैल्यू पुट करके, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्स प्लस 2/6। बेहतर ये है कि अगर छोटी वैल्यूज़ हों तो उनको हम पुट करके ही चेक करें और सीधा आंसर जिससे हमारा आ जाए, क्योंकि इधर भी एक्स दे रखा है, इधर भी एक्स दे रखा है, अगर इधर एक्स वेरिएबल होता, इधर कांस्टेंट होता, तो हमारे लिए आसान होता कि हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। यहाँ बेहतर है कि हम इसको सॉल्व ही कर लें क्योंकि वैल्यू बहुत सारी है। माइनस एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा जी, 3 × 4 = 12, तो 3 × 4 = 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 − 4x, और 4 × 3 = 3 यानी माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास, 3x − 4/12 आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया x प्लस 2, अब चाहो तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा जी, 12 माइनस 44 में से 3 गया 41 और माइनस का 4x, ब्रैकेट अभी हम क्लोज ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 3x − 4/12। यहाँ हम 12 से 12 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ हम देखें तो x प्लस 2 माइनस 41 प्लस का 4x है जी, इधर क्या हो जाएगा 3x − 4, तो 4x और x कितना हो जाएगा जी, 5x, तो 5x में से 3x माइनस कर दो, और इधर 4 है, 41 में से 2 गया माइनस का 39, और उधर जाएगा तो प्लस का 39 और माइनस का 4, 5x में से 3x गया 2x, 39 में से 4 गया 35, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, चलो स्किप करते हैं इसको कहीं ना कहीं, जो क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया, ठीक है चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद इसमें कुछ मिस प्रिंट हो, क्योंकि x की वैल्यू 2x = 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है वो कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हो कुछ। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 cm × 4 cm इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 cm, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, उसको हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर बना दिया, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसको हमने क्या किया, फोल्ड करके एक ऐसा सिलेंडर बना दिया, ये सिलेंडर बन गया, एक रेक्टेंगुलर पीस का हमने सिलेंडर बना दिया। रेक्टेंगुलर पीस की लेंथ कितनी है, 11 cm, और हाइट कितनी, ब्रेथ कितनी है, 4 cm। हमने जो सिलेंडर बनाया उसकी हाइट भी हमसे क्या कह रहा है, 4 cm है, यानी जो सर्कमफ्रेंस है वो किससे बनी है, लेंथ से, किसकी, रेक्टेंगल की लेंथ से, और रेक्टेंगल लेंथ कितनी है, 11। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 11 cm, यानी 2πr = 11, यानी 2 × 22/7 × r = 11। अगर हम इसको काटें तो 11 × 2 = 22, r कितना आ जाएगा, 7/4 रेडियस आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी, πr² h, यानी 22/7 r, यानी 7/4 × 7/4 × 4, तो 4 से 4 कैंसिल, एक 7 से 7 कैंसिल, तो 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 × 1 = 15 अपॉन 4, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 × 3 = 12, कितना बचा, 34, तो 4 × 8 = 32 और 4 × 5 = 20, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया हमारे पास, 34। चलो नेक्स्ट इसका आंसर हो गया 38.5, नेक्स्ट इससे पहले वाले का, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पर, ये कह रहे द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज ₹7,290, इफ़ इट्स वैल्यू डिक्रीज एवरी ईयर
बाई 10%, देन फाइंड इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर। ये कह रहा है कि एक स्कूटर है जिसकी प्राइस कितनी है, 7290। इफ़ इट्स वैल्यू डिक्रीज, और उसकी वैल्यू हर साल डिक्रीज होती है 10%, देन फाइंड इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर। तो 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 10 साल डिक्रीज, वो तीन हर साल 10% डिक्रीज होने के बाद उसकी वैल्यू 7290 हो जाती है। तो 3 साल पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ठीक है जी। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ना, उससे निकाल लेते हैं कि भाई हमने पढ़ा था कि अमाउंट, आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट इज इक्वल टू P1+R/100 की पावर है। ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पढ़ा होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, इतना परसेंट इंक्रीज़ हो रही है और हर साल इंक्रीज़ हो रही है। जैसे होता है कि भाई, एक क्वेश्चन होता है कि भाई एक गांव की पॉपुलेशन इतनी थी और हर साल 10% क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो उस केस में हम प्लस का साइन लेके उसमें हम न्यू पॉपुलेशन निकाल सकते हैं कि भाई इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग बस यहाँ क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है, 1-R/100 की पावर एन। कि भाई जैसे किसी ऑब्जेक्ट के केस में होता है कि भाई किसी मशीन के केस में होता है कि इसकी कॉस्ट ये है अभी, तो उसकी कॉस्ट साल दर साल क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और हर साल डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, उस केस में हम बस क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि भाई हमारी जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो कितनी है, वो इतनी हो जाती है 3 साल, मतलब 3 साल पहले ये थी एक्चुअली अमाउंट जो था उसका, वो कितना था, 7290। तो 3 अभी कितनी होगी, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा, अगर वो 10% के रेट से क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो उसकी 3 साल पहले, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, बस 7290 प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, निकालना है हमें। हम कह सकते हैं कि भाई हमें वो वैल्यू निकालनी है जो 3 साल पहले थी, है ना, 3 साल पहले थी एक्चुअल प्राइस, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 9/10 का क्यूब। अगर हम देखें अभी 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब यही 7 × 9, और 10 का क्यूब 1, 2, 3, 0 आ जाएंगे, 7 × 9 से 7 × 9 कैंसिल, 1 0 यहाँ बचेगा। तो प्रिंसिपल हमारे यानी जो प्राइस थी वो कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 10,000 उसकी एक्चुअल प्राइस होगी 3 साल पहले, ठीक है जी। तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखें मशीन के केस में, तो इस फार्मूले का याद रखें कि भाई जब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो हम प्लस का साइन लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, और जब डिक्रीजिंग वाला केस हो, जैसे मोस्टली मशीन के केस में ऐसा होता है, तो हम वहाँ बस माइनस कर देते हैं और ये हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे हम कहें कि भाई हर साल इसको डिलीट कर देता हूँ, हर साल एक ही रेट से अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी रेट से एक ही चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो हम उस केस में माइनस लेते हैं। बट अगर हमने कहा कि भाई एक जैसे कॉस्ट है कि भाई पहले साल 10% डिक्रीज़ होगी, दूसरे साल 15% डिक्रीज़ होगी, तीसरे साल फिर 20% डिक्रीज़ होगी उसकी कॉस्ट, यानी हर साल डिक्रीज़ तो हो रही है बट कंटिन्यूस रेट से नहीं हो रही, कभी कुछ रेट हो रहा है कभी कुछ रेट हो रहा है, यानी कभी 10% से घट गई एक साल, फिर दूसरे साल 15% के रेट से उसकी कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई, फिर अगले साल 20% की कॉस्ट से 20% रेट से उसकी कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वही लगाते हैं यही फार्मूला है, बस क्या हो जाता है यहाँ पर, 1-R/100, 1 × R/200 एंड सो ऑन, जो भी आपके पास है, 1-R/300, 2 साल के लिए पूछ रहा है तो यहाँ तक ले लेंगे, 3 साल के लिए पूछ रहा है तो पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हर साल रेट आपका चेंज हो रहा है तो उस केस में हम ये फार्मूला, अगर रेट चेंज नहीं हो रहा है तो वही हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो हमने किया था उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ एक्स एक्सिस। ये कह रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में जान, भाई जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस होती है, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। इधर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव, इधर वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, इधर हमेशा नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, तो यहाँ पहली पॉजिटिव हमेशा, पहली वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक्स की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी, x भी पॉजिटिव है और
वाई भी पॉजिटिव। इसमें हम बात करें एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसमें हम बात करें तो दोनों निगेटिव हैं, इसमें हम बात करें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। बहुत ज़्यादा डिटेल हम इसमें नहीं जाएंगे, मैं बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जिसमें दो एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सेस एक वाई एक्सेस, और चार क्वाड्रेंट जिसमें पहले क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। जहां ये लाइन इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, और उस पर एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। अब रही बात एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की, तो एक्स एक्सेस पर हमेशा वाई की वैल्यू जीरो होती है और वाई एक्सिस में हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर कोई भी पॉइंट अब वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा और वाई कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई हमेशा जीरो होगा। तो हमसे यहाँ क्या कह रहा है कि भाई द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब वाई जीरो होगा, वाई कहाँ जीरो है देखो यहाँ, और एक्स कुछ ना कुछ है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया जी, सी। चलो क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है हमसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भाई माइनस फोर की पावर एम प्लस टू इंटू -4 की पावर -4 किसके बराबर, -4 की पावर 7 के बराबर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या ले लें भाई, दोनों बेस सेम है, जब बेस सेम हो एक्सपोनेंट में तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो पहले हम पावर्स को प्लस कर देते हैं, यानी माइनस फोर की पावर क्या हो जाएगा, एम प्लस टू माइनस फोर, और इधर -4 की पावर 7 एज इट इज़ रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, -4 की पावर 4 में से 2 किया 2, यानी m माइनस टू, और इधर -4 की पावर 7, और जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, यानी हम कह सकते हैं कि m माइनस टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के। डॉक्टर साहब तो m कितना हो गया जी, 7 प्लस 2, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, 9। इजी है, ऑप्शन है माशाल्लाह, नहीं है, है जी। तो ये भी शायद मिस प्रिंट थोड़ा सा हो सकता है, या एक बार चेक कर लें इसको, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। m प्लस टू माइनस फोर की पावर प्लस फोर है, सॉरी यहाँ पर प्लस फोर है, तो ये प्लस फोर आ जाएगा, और फोर और टू कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, यानी यहाँ -6, ये तो और बड़ा हो गया, +6। अच्छा प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस सिक्स, और सिक्स को उधर भेज दें, सॉरी गलती हो गई, m इज इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके तो m यहाँ क्या होगा जी, 1 होगा। चलो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि a die is thrown once ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की प्रॉबिलिटी क्या होगी। यानी देखो अगर हम एक डाइस को फेंकें तो क्या आता है, 1 या 2 3 4 5 6। अब देखो हमसे बात कर रहा है कि भाई प्राइम नंबर आए, तो प्राइम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो पहला हमारा प्राइम नंबर है 2, दूसरा है 3 और तीसरा 5। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, खुद 1। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। तो हमारे पास 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम हैं, और प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो कितने हैं, वो 3 हैं, और टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो बस डायरेक्टली हम इसको काट सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि भाई प्रोबेबिलिटी आपसे किसकी पूछ ले, प्राइम नंबर की, तो ये भी 1/2। प्रोबेबिलिटी आपसे किसकी पूछ ले, ऑड नंबर की, तो ये भी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे ये पूछ ले भाई इवन नंबर की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो ये वैसे भी आ सकते हो, रख सकते हो आप कि भाई इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। इवन हो, ऑड हो, प्राइम हो, बस ये 3 है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, बट हाँ इस केस में हम कह सकते हैं इन तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास
कि इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी एक्स और वाई कैसे हैं जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें एक्स प्रोपोर्शन है किसके, वाई के, इसको ऐसे लिखते हैं। एक होता है, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक होता है आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक्स प्रोपोर्शन हो किसके, वन अपॉन वाई, इसको हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर हम एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई भी इंक्रीज होगा, एक्स को डिक्रीज करेंगे तो वाई भी डिक्रीज होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई डिक्रीज हो जाएगा और एक्स को डिक्रीज करेंगे तो वाई इंक्रीज हो जाएगा, यानी उल्टा इफेक्ट। यहाँ सीधा सीधा जो असर पड़ेगा वो सीधा सीधा पड़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। यहाँ उल्टा है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं, वो कांस्टेंट आप के कह सकते हो, वो कांस्टेंट आप सी कह सकते हो, वो कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के वाई, और हम वाई को इधर ले आए, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट के कह लो या कांस्टेंट कह लो। यहाँ हम देखें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ भी कांस्टेंट आता है, के अपॉन वाई, तो इस वाई को इधर ले आए तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट सीधे सीधे आ गए कि इन्वर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो x अपॉन y कांस्टेंट के बराबर होगा, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो x इंटू वाई कांस्टेंट के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी x अपॉन y कांस्टेंट के बराबर होगा। ऑप्शन चेक कर लो, कहाँ है जी x अपॉन y कांस्टेंट, d, तो d हमारे पास। अगर कहता है इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब x इंटू वाई किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। तो ये दो कांसेप्ट आप याद रखेंगे, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन यहीं तक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3 एंड डिफर बाय 18, यानी ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 18 हो और सम कितना हो जी, डिफरेंस 18 हो और सम कितना हो, नहीं डिफरेंस 18 हो, रेशियो 5:3 हो। तो हम ये देखें भाई इनमें ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका डिफरेंस 18 है। तो देखो 15 में से 7 घटाया 8, 3 में से 2 गया 1, यानी इन दोनों का डिफरेंस 18 है। यहाँ चेक कर लो, 17 में से 9 गया 8 और 1 में से 0 गया, यहाँ भी डिफरेंस 18 है। यहाँ देखिए तो 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 28, यानी इसका डिफरेंस 18 नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। 14 और 18 की बात करें तो इसका डिफरेंस भी 18 नहीं है, 22 होगा, है ना। अब बचे क्या हमारे पास, ये दोनों। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई इनके स्क्वायर का डिफरेंस 18 हो और उनका रेशियो, अब रेशियो चेक कर लो इसका और इसका, भाई 45/27 की अगर हम बात करें तो 9 5 45, 9 3 27, 5/3 आ रहा है। यहाँ हमसे क्या कह रहा है भाई, 5/3 होना चाहिए, तो 5/3 आ रहा है, क्या इस केस में 5/3 आएगा 27/9 के केस में, तो 9 3 9 1, इसमें 3/1 आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा ए। तो यानी हमें इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखें कि भाई कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 18 है और उनका रेशियो 5/3 है। तो हमने देखा भाई डिफरेंस 18, उसमें ये कट गए दोनों, इनका डिफरेंस 18 नहीं था। रेशियो देखा तो ये इसका रेशियो 5/3 नहीं था, सिर्फ एक ही ऐसा आया जिसका रेशियो 5/3 और डिफरेंस 18 था। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा 45/27। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें इसको। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये आपका क्वेश्चन भेज रहे हैं किस पर, पाइथागोरस ट्रिपलेट पर। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में मैं आपको बता दूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है कि भाई वो जो एक राइट ट्राइंगल में इस सिचुएशन को फॉलो करें, वही किसको, हाइपोटन्यूज, ये हाइपोटन्यूज होती है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वो होती है जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे, h2 = p2 + b2। हमें क्वेश्चन जो आता है कभी कभी इस टाइप का आता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ, कभी कभी इस टाइप का आता है कि हमें एक नंबर दे दिया, करें फाइंड अदर टू पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब वो इवन भी दे सकते हैं, ऑड भी दे सकते हैं, इसमें दो केस हैं, इवन का केस और ऑड का केस। जैसे अगर मैं बात करूं इवन के, अगर हमारे पास कोई भी जो नंबर दे रखा है इवन दे रखा है, कह रहा है कि एक साइड दे रखी है और वो इवन है, जैसे सपोज हमने एक साइड दे रखी है 8 दे दी, बाकी अदर टू साइड देखी, तो ठीक है, तो एक साइड हमें दे दी और वो कैसी है, वो इवन है,
तो इवन के केस में जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं वो क्या होते हैं, एम स्क्वायर माइनस वन, टू एम और एम स्क्वायर प्लस वन होता है। अगर आपकी जो साइड आपको दे रखी है वो इवन दे रखी है, यहाँ तो कोई साइड ही नहीं दे रखी, तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ एक ही केस दे रखा हो, या तो इवन का या ऑड का, वो हम देखेंगे। बहरहाल इवन के केस में पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, एम स्क्वायर माइनस वन, टू एम और एम स्क्वायर प्लस वन। एम क्या है, एम वही साइड है जो आपको दे रखी है, नहीं सॉरी, एम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे हमें कोई साइड दे रखी है तो हम इवन साइड दे रखी है तो हम 2m को उसके बराबर रख देंगे। जैसे हमें कोई साइड 4 दे रखी है तो हमने 2m को किसके बराबर रख दिया, 4 के, तो m की वैल्यू कितनी आ गई जी, 2 आ गई। तो यहाँ हम देखें 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, ये तो 4 आई गई, और 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे 3 4 और 5। ये छोटी सी वैल्यू मैंने ली है। अगर हम बात करते हैं जी किसकी, ऑड्स, ऑड के केस में, जानिए हमें साइड दे रखी है वो हमें ऑड दे रखी है, तो हम उस केस में हम ये कह सकते हैं भाई एक एन, एक एम और एक एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू और एक एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू। तो ये होती है कब, जब हमें जो साइड दे रखी है वो ऑड दे रखी है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती हैं आपके पास, इवन के केस में पाइथागोरस ट्रिपलेट ये होती हैं, ऑड के केस में पाइथागोरस ट्रिपलेट ये होती हैं। इवन और ऑड क्या है, साइड, कि हमें अगर ऑड साइड दे रखी है तब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सी लगाएं, और इवन साइड दे रखी है तब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सी लगाएं। तो यहाँ हम सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट देख रहे हैं, इसमें आप चेक कर लो, या तो ये आंसर दे रखा होगा कोई या ये आंसर दे रखा होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये टू एम, टू एम स्क्वायर ये तो है नहीं, एम एम स्क्वायर माइनस टू नहीं, ये भी नहीं है, हमारे पास क्या है एम स्क्वायर माइनस वन, टू एम, और यानी इवन वाला केस यहाँ हमें दे रखा है, एम स्क्वायर माइनस वन, टू एम और एम स्क्वायर प्लस वन। चलिए समझ गया, नेक्स्ट 42, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत लेंथी है क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको करें और चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ का पोर्शन आपका ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपको, तो अगर आपके पास टाइम है तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को करें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और बाद में जब टाइम हो तब आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम का बाउंडेशन नहीं है, आपके पास एग्ज़ाम में टाइम का बाउंडेशन रहता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें कि कोई अगर लेंथी क्वेश्चन है तो उसको हम स्किप कर दें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी नहीं होता है एग्ज़ाम के अंदर, हमें सिर्फ उतने क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब पता चला हमने एक ही क्वेश्चन किया और उसमें इतना टाइम लगा दिया कि हम बाकी क्वेश्चन छूट गए, तो ऐसा काम ना करें, है ना। तो जो लेंथी क्वेश्चन है उसको स्किप करके चलें। फिलहाल हम करते हैं इसको, ये कह रहा है इस शॉपकीपर बॉट टीवी एंड डीवीडी फॉर रुपीज़ 8000 ईच, यानी एक टीवी खरीदता है और एक डीवीडी खरीदता है, 8000 रुपए की खरीदता है एक, यानी टीवी भी 8000 की और डीवीडी भी 8000 की। ही मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन डीवीडी एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट। चलिए ठीक है, फिलहाल हम करते हैं इसको। जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस की अगर हम टीवी की बात करें, पहले हम बात करते हैं, चलो टीवी की बात करते हैं, टीवी की कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 8000, ठीक है, उस पर लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 4%, यानी 4/100 इंटू 8000, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल, 320 रुपीज़ का लॉस हो गया, यानी उसको कितने की पड़ी, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 8000 में से 320 घटा दो तो 7680 रुपीज़, ठीक है जी, इतने की बड़ी सेलिंग प्राइस आपके पास ये आ गया। अब आपसे कह रहा है कि एक डीवीडी भी है, तो डीवीडी की हम बात करें तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो भी 8000, उस पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 8% का, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, 8%, यानी 8/100 इंटू 8000, तो दो ज़ीरो से दो ज़ीरो यहाँ भी कैंसिल, 8/64 यानी 640। तो अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस देखें 8640, ये सेलिंग प्राइस आ गया, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस हम देखें, सेलिंग प्राइस आ गई 6780 और 8640, तो आपके पास 0, 2, 1, 3 और ये 1, यानी 16000, यानी टोटल सीपी अगर हम बात करें तो आपके पास कितनी, 16320, और टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 16000,
दोनों को प्लस कर दें। अब हमें निकालना है जी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ देखो, यहाँ से पता चल रहा है कि 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा, इंटू 100। तो हम देखें भाई 30 से ये 30 कैंसिल, 16 यानी 2% का आपका प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन इज 2% गेन, 2% लॉस है, 2% गेन है। क्या हुआ हमारे साथ, फ़ायदा हुआ कितने परसेंट का, 2% का। चलो नेक्स्ट, बस जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और रह गए। कह रहे हैं कि भाई फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स को फैक्टराइज करना है। तो देखो एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, यानी अब यहाँ की आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। देखो जी ये आंसर हो गया, चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है इसके फैक्टर, एक्स इंटू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन को वन प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, बट एक्स माइनस वन को वन माइनस एक्स नहीं लिख सकते, यानी डी आंसर इसका होगा, एक्स माइनस वन इसको एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। तो यही है हमारा आंसर। यार फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अब देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें एक तो ये है कि बच्चा पूरा कैलकुलेट करे, इसको इससे मल्टीप्लाई करे, इसमें ये प्लस करे, फिर जो आए उसका स्क्वायर रूट निकाले, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में करे, है ना, कितना लंबा क्वेश्चन जाएगा। उससे अच्छा क्या है कि हम ये देखें कि हमारे पास देखो यहाँ नंबर क्या है, 23 नंबर क्या है, 23 है, यानी 23 की हम बात करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी जो 23 है वो किसके बीच में आएगा, वो 4 और 5 के बीच में आएगा, यानी 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, यानी 4 से बड़ा होगा, 4 से छोटा नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 4 से छोटा है, 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। अब ये ऐसे दो नंबर बचे जो 4 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 729, अब 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 23 का या 27 का, तो 27 का। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा जी, 4 सही, 23 बाई 27, क्योंकि 729 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 23 नहीं 727 आएगा। तो इसलिए हमारे पास मोस्ट प्रोपरिएट बिना कैलकुलेशन के हम देखें तो हमारे पास बेहतर आंसर ये है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। नाउ देखो हमने भी बताया था, डिस्कस किया था कि भाई पॉलीगन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी आ गया एन साइड को लेकर कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 156, रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल का सम वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे कि एन माइनस 22 का 180 कर दिया और साइड निकाल ली, नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेहतर है कि हमारे पास देखो इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो हमारे पास एक फार्मूला और होता है कि भाई एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर मुझे इंटीरियर एंगल दे रखा है कितना 156 और मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 180 में से इंटीरियर को क्या कर दें, माइनस कर दें, यानी एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 माइनस 156। अब 180 में से 156 दिया, यानी 10 में 6 किया 4 बचा, और 7 में से 5 किया 2 बचा, यानी एक्स्ट्रा एंगल कितना आ गया मेरे पास 24। अब मुझे नंबर ऑफ साइड निकालनी है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही फार्मूला बताया था आपको कि भाई 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 360 बाई एन, तो 360 को किससे डिवाइड कर देंगे जी 4 से, तो 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, 4 से काट देंगे तो 15, तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई जी आपके पास 15 आ गई, ठीक है जी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 3D ऑब्जेक्ट। अब 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास क्यूब है, क्यूबॉइड है, और भी बहुत सारे होते हैं, इनमें सीधा सीधा एक रिलेशन होता है कि भाई वर्टेक्स प्लस, ये फार्मूला होता है छोटा सा आपके पास कि भाई आपसे वो फेसेस दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, एजेस पूछिए, या एजेस दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, फेसेस पूछ लिए, या फेसेस दे दिया, वर्टेक्स पूछ दे दिया, एज पूछ लिया, यानी कोई भी तीन चीज़ों में से एक चीज़ मिसिंग कर देंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है वर्टेक्स प्लस एजेस, सॉरी वर्टेक्स प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। तो ये फार्मूला याद रखें स्ट्राइप्स के क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, पॉलीहाइड्रन हैज़ 20 फेसेस, यानी फेस कितने 20, वर्टेक्स कितने 12, क्या पूछ रहे हैं आपसे एजेस, वर्टेक्स कितने जी 12, फेसेस कितने 20,
ये 12, इसमें से किसको माइनस करके एज को, किसके बराबर होगा जी, 2 के बराबर होगा। तो 20 प्लस 12 कितना हो गया 32 माइनस 2 इज इक्वल टू ए, यानी एजेस कितनी आ गई जी 30। ऑप्शन है देख लेते हैं, ये है 30, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए हार्डी रामानुजन नंबर। हार्डी रामानुजन नंबर क्या होते हैं पहले हम वो देखते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा टिपिकल है ना, क्योंकि हमने हार्डी रामानुजन नंबर्स को कॉन्सेप्ट ना तो 8th क्लास में पढ़ा ना तो ये आगे है, ठीक है। हार्डी रामानुजन नंबर होते क्या एक्चुअली, कि ऐसे नंबर जिनका जिनको हम इस तरीके से तोड़ सकें कि जिनके क्यूब का सम, दो नंबर ऐसे बन जाए जिनके क्यूब का सम वो नंबर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2। अब जैसे 2 है तो 2 किस किस के क्यूब का सम है, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 क्या है जी हार्डी रामानुजन नंबर है। नेक्स्ट जैसे हम कहें जी 9, जैसे 2 का क्यूब और 1 का क्यूब क्या मिल जाएगा हमें 9, तो 9 भी क्या है जी हार्डी रामानुजन नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनका जो किससे मिलकर है, दो क्यूब्स के सम से मिलकर बने, उसको हम हार्डी रामानुजन नंबर पढ़ेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम देखें बहुत सारे नंबर्स होते हैं उनमें से कुछ नंबर्स को याद कर लें तो वो हमारे हार्डी रामानुजन नंबर होते हैं, जिसमें से हम देखेंगे ये हार्डी रामानुजन नंबर है, ये है, ये भी है। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, बी 2197 इज़ नॉट ए हार्डी रामानुजन नंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बेहतर है उसको स्किप कर दें, है ना, एक आध क्वेश्चन छोड़ दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, किसकी वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू माइनस 1 पर। तो देखो जी हमारे पास ये समझ लो कि हमें एक पॉलीनोमियल दे रखा है आपको, क्या 5x की पावर 25 माइनस 3x की पावर 32 प्लस 2x की पावर माइनस 12 एट x इज इक्वल टू माइनस 1। x की जगह क्या रखना है जी हमें, माइनस 1 रखना है। तो 5 इंटू माइनस 1 की पावर 25, 3 इंटू माइनस 1 की पावर 32 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 12। देखो जब भी हम माइनस 1 की पावर इवन लें तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, माइनस 1 की पावर अगर ऑड है तो वो माइनस 1 के बराबर होता है। तो वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर माइनस 1 की पावर क्या है ऑड, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस 1, माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, माइनस 1 की पावर इवन क्या मिलेगा प्लस 1, माइनस 3, माइनस 1 की पावर इवन क्या मिलेगा प्लस 1, प्लस 2, अब 3 में से 2 गया माइनस 1, माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6, तो टोटल वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस 6। ऑप्शन इज सी। चलो जी नेक्स्ट, थोड़ा सा कितने क्वेश्चन और रह गए अभी, अभी तो बहुत सारे हैं, चलो थोड़े से और हैं इनको और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ तक पहुँच गए, हाँ जी 48 तक हो गया। 49, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 6 cm² आर जॉइंट एंड टू एंड। ये कह रहे हैं कि भाई दो क्यूब्स हैं आपके पास, चलो जी हम दो क्यूब्स ले लेते हैं और उनको एंड टू एंड जोड़ देते हैं। जैसे सपोज एक क्यूब हमने ये ले लिया, एक क्यूब ये ले लिया, ठीक है, और एक और क्यूब इसके साथ ही ले लिया हमने, इसके साथ ही एक और क्यूब ले लिया, उसको एंड टू एंड जोड़ दिया। तो हमने ये दो क्यूब्स को एंड टू एंड जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि टोटल साइड्स कितनी है, टू आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 6 cm² आर जॉइंट, यानी एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है जी 6 है, यानी एक क्यूब किसके बराबर है टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है जी 6a² ये किसके बराबर है जी 6 के, तो ए स्क्वायर किसके बराबर है 1 के, ए इज इक्वल टू किसके बराबर 1 cm, यानी क्यूब की साइड कितनी आ गई 1। तो अगर हम क्यूबाइट में देखें तो क्यूबाइट की लेंथ 1 ये और 1 ये कितनी हो जाएगी 2 cm, ब्रेथ कितनी वही 1 रहेगी और हाइट भी 1 cm, हाइट ये है ब्रेथ ये है, लेंथ बस क्या होगी डबल हो जाएगी, ठीक है, वो कितनी होगी 2 cm। अब आपसे क्या पूछ रहा है
कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म, जो क्यूबॉइड बना उसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB BH और LH, यानी 2 × LB यानी 2 1 2 BH 1 1 1 और 1 2 2, यानी 2 और 1 2 और 2 4 और 1 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है इसका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बाय सेलिंग 33 बुक्स अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 बुक्स, हिज गेन परसेंट इज। ये कह रहा है कि जब हम 33 बुक्स को बेचते हैं तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 11 सेलिंग प्राइस जो है 11 बुक्स की उतना प्रॉफिट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम भाई क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। यानी सेलिंग प्राइस ऑफ, ये कह रहा है कि 33 बुक्स में से अगर हम माइनस कर दें क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स, तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 बुक्स। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं बट ये सबसे बेहतर तरीका है कि हम सीधा लिखें भाई हमें क्या दे रखा है, भाई इतनी सेलिंग प्राइस हो गई सारी बुक्स की, ये कॉस्ट प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर इस सेलिंग प्राइस को उठा के दे ले जाएँ, कॉस्ट प्राइस को उठा के दे ले जाएँ, तो क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 में से 11 कैंसिल माइनस हो जाएगी करा के, तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 बुक्स किसके बराबर आ जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक। अब देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है इसका, बेस्ट छोड़ दो, कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ एम बुक बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ एन बुक, तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रॉफिट कह लो या लॉस कह लो, वो बताएगा हमारे पास साइन, अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो प्रॉफिट, अगर माइनस साइन आएगा तो नेगेटिव। ये होता है कि एम माइनस एन अपॉन एन इंटू 100, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला। तो यहाँ पर हम देखें कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, प्रॉफिट ही हो रहा था यहाँ, प्रॉफिट ही निकालना है, तो 33 में से किसको माइनस कर दें, 22 अपॉन सेलिंग प्राइस ही लेते हैं नीचे, 22 × 100, ठीक है जी, 100 आएगा उधर, तो 33 में से 22 गया तो 11 अपॉन 22 × 100, 11 2 और 2 से इसको काटें तो 50%। तो बस आपको क्या होना चाहिए, यहाँ के बाद ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये आ गया आपके पास एक कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, एम माइनस एन अपॉन एन, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ एम बुक्स इज इक्वल टू, या कोई भी ऑब्जेक्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ एम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो, तो हम इस तरीके से ये फार्मूला लगा के वो निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 की पावर 0। तो देखो -3/4 की पावर 0 किसी की भी पावर, कोई भी नंबर है, अगर हम उसकी पावर की बात करते हैं तो उसकी पावर क्या है, 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1, और 1 का रेसिप्रोकल खुद 1, तो ऑप्शन देखो जी बी 1। चलो नेक्स्ट, बाय व्हाट नंबर शुड बी दिस बी डिवाइडेड शो दैट द क्वेश्चन इज दिस। ये कह रहा है कि -20 की पावर -1 को किससे डिवाइड करें, तो मान लो x से डिवाइड कर दें कि कोशेंट यानी हमारे पास जो रिजल्ट है वो कितना आ जाए, 5 की पावर -1 आ जाए। तो देखो 20 के अगर हम x की वैल्यू निकाल लिए तो -20 को हम फैक्टर कर सकते हैं, अच्छा इसकी पावर भी -1 है, तो -20 की पावर -1 और ये क्या हो जाएगा जी, 5 की पावर -1 इज इक्वल टू x, यानी दोनों की पावर माइनस वन, यानी -20/5 की होल पावर -1 इज इक्वल टू एक्स, तो 5 × 4 = 20 आप काट सकते हो, यानी -4 की पावर -1 इज इक्वल टू एक्स, नेगेटिव है तो इसको उल्टा कर दो, -1/4, यानी एक्स इज इक्वल टू -1/4, यानी सी ऑप्शन। चल नेक्स्ट, और तीन क्वेश्चन और हैं। ये कह रहा है कि 2 times अ नंबर इज 100% इंक्रीज इन द नंबर, इफ वी हाफ द नंबर व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट। यानी ये कह रहा है कि भाई एक नंबर एक्स है, अगर हम उसको क्या कर दें, डबल कर दें, तो x का डबल कर दो इसका मतलब वो कितना हो गया, 100%, और अगर उसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा भाई, 50%, सीधा सीधा। चलो नेक्स्ट,
अब ये कह रहा है फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट, दो क्वेश्चन और, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट विच सीता विल गेट ऑन रुपीज दिस इफ शी गेव इट फॉर 18 मंथ 12.5 पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। तो इस चीज़ पे ध्यान दें, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली इन केस ऑफ हाफ ईयरली। देखो हमें पता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, हम पहले अमाउंट निकालते हैं, P1+R/100 की पावर n होता है। बस यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं भाई, हाफ ईयरली अगर है आपके पास तो हाफ ईयरली के केस में जो n की वैल्यू होती है उसमें 2 के साथ जो टाइम दे रखा है ईयर्स में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रेट है उसको आधा कर देते हैं। और अगर क्वार्टरली दे रखा है, अगर क्वार्टरली दे रखा है तो जो हमारी n की वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के साथ, और जो रेट है उसको 1/4 कर देते हैं, इतना परसेंट कर देते हैं। तो जब भी क्वार्टरली और हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट हो तो ये दो चीज़ें याद रखना भाई, हाफ ईयरली में रेट को टाइम को क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और रेट को 2 से डिवाइड, एंड क्वार्टरली के केस में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं। चलो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में कि भाई हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि भाई फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विच सीता विल गेट ऑन रुपीज दिस, यानी ये प्रिंसिपल हो गया हमारे पास कितना 4096 इस पर, इफ शी गेव इट फॉर 18 मंथ, 18 मंथ मतलब अगर हम टाइम की बात करें तो 18/12 ईयर, ईयर्स में कन्वर्ट कर लें इसको तो 6 3 यानी 3/2 ईयर, ये हमारे पास टाइम हो गया। किस रेट से, रेट भी हमें दे रखा है 12.5%, यानी 24/1 25/2%। अब ये कह रहा है हाफ ईयरली कंपाउंड हाफ ईयरली कंपाउंड हाफ ईयरली, तो उस केस में आपका जो टाइम है उसको हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी n की वैल्यू t नहीं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और रेट की हम बात करें तो रेट को भी जो है उसको 2 से, यानी 25/2 को 2 से और डिवाइड कर देंगे तो 25/4% हम ले सकते हैं। चलो जी क्या निकालना है हमें अमाउंट, फार्मूला लगा दो P1+R/100 n, अमाउंट कितना है निकालना है, उसके बाद ही इंटरेस्ट निकलेगा 4096 1+25/4 यानी 400 हो जाएगा ये आपके पास की पावर 3। अब 25 को आप काट सकते हो तो 25 को उसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 16 16 1 16 16 और 1 17, तो 4096 17 का क्यूब अपॉन 16 का क्यूब, यानी 4096 17 का क्यूब कितना होता है जी 17 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 17 का क्यूब कितना होता है, 16 का क्यूब 4096 ही होता है, 17 का स्क्वायर 289 इंटू 17 यहाँ भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, 63 56 चलो खैर 4913 आ रहा है आपके पास, इसको ये कैंसिल हो जाएगा यानी अमाउंट आपका आ गया 4913 और प्रिंसिपल कितना है 4096, तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना होगा 4913 में से 4096 को क्या कर दो माइनस कर दो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 13 में से 6 क्या
7, ठीक है जी। 10 में से 9 क्या 1, 8, तो 8 1 7 ऑप्शन है जी, है। चलो बी, चलो नेक्स्ट लिख रहे आफ्टर 24 ईयर जेरी वुड बी 3 टाइम एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर एगो, यानी 24 ईयर्स में यानी 24 साल बाद वो 3 टाइम हो जाएगी किसके, जो 4 साल पहले थी। तो एक तो ये है कि हम ऑप्शन से कर सकते हैं कि भाई 24 साल बाद इसकी एज कितनी होगी और 4 साल पहले कितनी होगी, यानी 24 साल बाद हम देखें तो इसकी एज 28 प्लस 24 होगी और 4 साल बाद 4 साल पहले 28 माइनस 4। अब ये कह रहा है कि ये इसका 4 टाइम्स होना चाहिए, तो क्या 4 टाइम्स होगा, तो हम देखें 8 4 12 52 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 28, यानी 4 × 24 क्या बराबर होगा ये, नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है 32 में 24 जोड़ें यानी 24 साल बाद देखें और फिर इसको 4 टाइम्स होगा ये किसका, 32 माइनस 4 का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 56 हो गया है और यहाँ देखें 32 में से 4 गया, 4 × 28 बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 18 देखें कि भाई 24 साल बाद और 4 टाइम्स किसका, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले टेक 4 माइनस कर दें तो 8 4 12 और 42, और ये देखें तो 4 × 18 में से 4 गया, 3 टाइम्स कह रहा है, यहाँ भी थ्री टाइम्स यही देखेंगे, तो 14 3 कितना होता है जी 42 ही होता है, तो ये हमारे पास 18 इसका आंसर हो जाएगा। इसको वैसे भी कर सकते हैं हम चाहें तो इक्वेशंस बनाकर कि भाई कह रहा है कि अगर हम एज क्या मान लें, लेट जेरी एज बी एक्स, जेरी की एज हम क्या मान लें एक्स मान लें, तो कह रहा है 24 साल बाद तो एक्स प्लस 24 कितनी होगी 3 टाइम्स होगी जो 4 साल पहले थी, यानी एक्स माइनस 4 3x − 12x + 24। अब इसको दे लें, इसको दे लीजिए 24 + 12 = 2x, कितना हो गया जी 4 × 2 = 36, 2x = 18। तो ऐसे भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी कर सकते हैं, कितना आएगा 18 आएगा। थैंक यू।